इको सिस्टम जो हमारा लेसन है, उससे पहले थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ें हैं जो दिया है एक्चुअली में। हमारा जो एडजी टेंसिले है, यहाँ से स्टार्ट होता था ये चैप्टर। तो इकोटोन क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस है एक्चुअली में कि इकोटोन्स क्या होता है। इकोटोन बोलते हैं अपन जहाँ पर दो एरिया है उसके बीच का जो पार्ट है। तो एन इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन द टू बायोलॉजिकल कम्युनिटी। मान लो एक एक्वेटिक कम्युनिटी है, एक टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी है। जो किनारे वाला एरिया जहाँ थोड़ा पानी भरा होता है, वहाँ डिफरेंट एक स्पीसीज आ जाती हैं प्लांट्स की और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर ऑर्गेनिज्म की। तो इकोटोन बोलते हैं उसको, टू बायोलॉजिकल कम्युनिटी वेयर द टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को इकोटोन की? एक तालाब है, उस तालाब का किनारा है, तो उस किनारे पर जो वेजिटेशन होगी, जो ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा, वो डिफरेंट होंगे। उधर तो एक्वेटिक पूरा पानी के अंदर अलग ऑर्गेनिज्म है, और जो लैंड एरिया है टेरेस्ट्रियल वहां पर अलग है। लेकिन जो दोनों बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के बीच का एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज द इकोटोन। उसे अपन इकोटोन बोलते हैं। क्लियर है क्या? इट मे बी नैरो और वाइड एंड इट मे बी लोकल, द जोन बिटवीन द फील्ड एंड द फॉरेस्ट और ओरिजिनल रीजनल द ट्रांजिशन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड इकोसिस्टम। एज इफेक्ट क्या हो, किनारे को बोलते हैं अपन एज इफेक्ट। एज इफेक्ट रेफर टू द चेंज इन द पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर्स द बाउंड्री ऑफ द टू हैबिटेट्स। अलग अलग बाउंड्रीज बनी हुई है, एक्वेटिक की अलग है, टेरिस्ट्रियल की अलग है, और बीच की जो बाउंड्री है उसके लिए टर्म यूज किया गया है। तो एज इफेक्ट रेफर टू द चेंज इन द पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ द टू हैबिटेट्स, दैट इज कॉल्ड एज इकोटोन। इन इकोलॉजी निके इज द मैच ऑफ द स्पीसी द स्पेसिफिक एनवायरमेंट कंडीशन। जो स्पेसिफिक एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, वो उनकी एक हैबिटेट है, और उसी मीडियम के अंदर वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। इट डिस्क्राइब हाउ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिटर्स एंड हाउ इट इन टर्न अल्टर्स दोज सेम फैक्टर्स। अब ये डेफिनेशन है आपके कुछ क्वेश्चन की। एन इज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द टू बायोलॉजिकल कम्युनिटी, वी टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेटेड। तो ए इकोटोन है, एज इफेक्ट है, निके है, नन है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको इकोटोन। अब ये टोन तो टोन ही है भाई, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स रेफर टू द चेंज इन द पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर्स इन द बाउंड्री ऑफ द टू हैबिटेट अ इकोटोन इज कॉल्ड एज इफेक्ट। अब आता है हमारा चैप्टर इकोसिस्टम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, पानी की एक बूंद भी एक नैनो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, एक ओशियन भी एक मेगा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, एक फॉरेस्ट भी मेगा टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, एक क्रॉप लैंड जहां पर गेहूं का खेत है, चावल का खेत है, या किसी भी चीज की क्रॉप का है, वो भी एक टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। एक पेड़, एक लार्ज बेनियन ट्री, ये भी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहां पर भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। तो एक घर जिसमें 6 मेंबर या 8 मेंबर, वो भी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर अलग अलग वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अपना अपना काम सब करते हैं। एन इकोसिस्टम इज द जियोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टूगेदर टू फॉर्म द बबल्स ऑफ द लाइफ। एन इकोसिस्टम क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया है बेटा, जहां पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अदर ऑर्गेनिज्म हैं, एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टूगेदर टू फॉर्म बबल्स ऑफ द लाइफ। इकोसिस्टम कंटेन द बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर।
मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये एक रूम है बेटा, इसके अंदर जो बायोटिक और अबायोटिक है, बायोटिक तो हम खुद हैं, हम खड़े हुए हैं, अबायोटिक में लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर विंड है, तो ये सब एक दूसरे को इफेक्ट डाल रहे हैं। इनमें एक भी फैक्टर डिस्टर्ब होता है तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है क्या बच्चों? अरे हमारे पाँव में एक कांटा लग जाता है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, मुंह में एक छाला हो जाता है तो मजा बार बार टंग वहां जाती है, पूरा लगता है यार पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो बार बार उसकी याद दिलाता है हमको कि बॉडी में कुछ हो रहा है, बॉडी में कुछ हो रहा है, बॉडी में कुछ हो रहा है, और हमारा जो अदर वर्क है वो काफी इफेक्ट हो जाता है, मतलब हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए पूरी बॉडी को, पूरे सिस्टम को, पूरे घर को, सबको बैलेंस रखना होता है। क्लियर क्या बच्चों? चलिए, तो इकोसिस्टम कंटेन द बायोटिक और लिविंग पार्ट एज वेल अबायोटिक फैक्टर और नॉन लिविंग पार्ट। इकोसिस्टम वाज डिफाइंड 1935 एजी टेंसले, क्या ले, किसका नाम, हाँ एजी से टेंशन ले। चलिए, तो इकोसिस्टम वाज डिफाइंड 1935, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, साइंटिस्ट एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। द होल सिस्टम इन सेंस ऑफ द फिजिक्स, अब यहां थोड़ी फिजिक्स भी लेके आते हैं, इंक्लूडिंग नॉट ओनली द ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बट ऑल्सो द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द फिजिकल फैक्टर फॉर्मिंग वाट वी कॉल द एनवायरमेंट ऑफ द बायोम द हैबिटेट फैक्टर्स इन द वाइडेस्ट सेंस। वही मैंने बताया था अभी आपको कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी, जो सन है वो नेचुरल अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, और वहां से जो एनर्जी आती है उसका 1% प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और 99% वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। चलिए, तो द होल इकोसिस्टम इन द सेंस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कंसर्न बात कर रहे हैं अपन, इंक्लूडिंग नॉट ओनली द ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बट ऑल्सो द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द फिजिकल फैक्टर, ये फिजिकल फैक्टर अबायोटिक फैक्टर है बेटा, फॉर्मिंग वाट वी कॉल द एनवायरमेंट ऑफ द बायोम द हैबिटेट फैक्टर्स इन द वाइड सेंस। टेंसले फाउंडेड द न्यू फिजियोलॉजिस्ट इन द 1902 एंड सर्वड एज द इट्स एडिटर अंटिल द 1931। ये ए जी टेंसले साहब का फोटोग्राफ है, अंग्रेज थे। ही वॉज द पायोनियर, पायोनियर का मतलब होता है जो सबसे पहले डिस्कवरी करता है उसे बोलते हैं पायोनियर, जैसे पायोनियर इंस्टीट्यूट का नाम भी है उस जगह। पायोनियर का मतलब जिसने सबसे पहले उसके बारे में डिस्कवर किया है, जिसने सबसे पहले उसके बारे में बताया है। तो ही वॉज द पायोनियर ऑफ द साइंस ऑफ द इकोलॉजी इन द ब्रिटेन बीइंग द हैविंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ द डेनिश बॉटनिस्ट यूजेनस वार्मिंग एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन टू द बायोलॉजी। सबसे पहले इन्होंने बायोलॉजी जो टर्म थी उसके बारे में इकोसिस्टम को कंसर्न किया, पहले इकोसिस्टम को फिजिक्स का पार्ट मानते थे। तो यूजेनी प्लीजेंट ओडम, ओडम भाई साहब का नाम बहुत आता है इकोलॉजी के अंदर, वाज द अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं ये, द यूनिवर्सिटी ऑफ द जॉर्जिया नोन इज द पायोनियरिंग वर्क ऑन इकोसिस्टम इकोलॉजी। ये ओडम साहब का फोटोग्राफ है, तो ओडम साहब का मैंने पहले बताया था आपको, यूजेनी ओडम इज द आयोनाइज थ्रू आउट द साइंस एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोलॉजी, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, एंड रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द जॉर्जिया एज द फाउंडर ऑफ व्हाट बिकम द यूजेनी। अब नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, जो अपन ने बताया था, जो पोंड है ये तालाब है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, नेचुरल लेक है वो नेचुरल इकोसिस्टम है। तो नेचुरल जो इकोसिस्टम है, अब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट अकरिंग फ्रीली इन द नेचर रादर देन द बीइंग द क्रिएटेड बाय मैन इज कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम, और डेजर्ट और फॉरेस्ट इसके एग्जांपल हैं।
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इकोसिस्टम दैट आर मेड बाय मैन फॉर कॉमर्शियल और अदर बेनिफिट इज नॉन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. दीज इकोसिस्टम्स आर मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस फॉर देयर ओन प्रॉफिट एंड कैन आइदर बी टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक. एग्जाम्पल इसका एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड है, डैम है और गार्डन है. प्लस जो मैन मेड है, आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, उनको जो है बेटा अपन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बताइए, आंसर क्या है? मैराइन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हाँ, और ये हमारा फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी. एजी टेंस ने क्या किया था? और एरिस्टोटल ने? हाँ, फादर ऑफ जूलॉजी भी है, फादर ऑफ नेमरोलॉजी भी है. और थियोफ्रेस्टस? थियो, अरे वाह, फादर ऑफ बॉटनी, वेरी गुड, बच्चे इंटेलिजेंट है. एन इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज द कंसिस्ट ऑफ द डेजर्ट और बिग एज द ओशियन स्पेनिंग थाउजेंड्स ऑफ द माइल्स. देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम, बताया था अभी आपको. ये दोनों ही है, एक्वेटिक भी आपको दिख रहा है. ये वाला सीन आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा. और ये टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल जो बताया. टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होता है बेटा ये. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वेरियस जियोग्राफिकल जोन. दे आर एज फॉलोज. फॉरेस्ट इकोसिस्टम आप जानते हो एक जंगल है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है. ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, घास का मैदान. टूंड्रा जो बर्फीला एरिया है. और डेजर्ट इकोसिस्टम जो आपका, ये आपने ध्यान हो तो जब हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन. वहां पर एक ग्राफ डिस्कस किया था. हाँ, तो वो भी एक तरह से इकोसिस्टम के एग्जांपल थे, इसलिए वो चैप्टर बेसिक पढ़ाया गया आप, ताकि वहां से काफी सारी चीजें आपको मेमोरी में फिट हो जाए. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेवरल प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लाइव एंड कोऑर्डिनेशन विद द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट. तो एन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लाइव एंड कोऑर्डिनेशन विद द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट. ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर लाइट वगैरह सब आपको दिख रही है. छोटी ग्रासेज भी हैं, बड़े बड़े पेड़ भी हैं, कुछ थोड़ी पीछे झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं आपको. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. फॉरेस्ट हेल्प इन द मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. आप अमेजन फॉरेस्ट का नाम सुना क्या आपने? अमेजन कंपनी का नाम सुना क्या? अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग में नंबर वन है, अमेरिकन कंपनी. आप देखो, अमेजॉन से हम जो प्रोडक्ट मंगाते हैं, एक तरह से वो पैसा फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं अपन. तो जहाँ तक कोशिश हो हम ऑफलाइन ही खरीदें, ताकि सबका पेट भरता रहे. ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑफर देती है साहब, एक के साथ एक फ्री. अल्टीमेटली उनमें सभी प्रोडक्ट अच्छे भी नहीं आते हैं. हालांकि कुछ आसपास वाले जो है वो भी अमेजोन से मंगा के हमको टेप देते हैं, ये भी संकट है ना, थोड़ा तो सस्ते में लगा देते हो. तो बर्फीला आर्कटिक जो एरिया होता है. तो देखिए बेटा, अमेजोन एक फॉरेस्ट का नाम है. उस फॉरेस्ट से पूरी अर्थ का 20% के करीब ऑक्सीजन वहीं से रिलीज होता है, क्योंकि अर्थ को ऑक्सीजन चाहिए ना पूरा. इतना डेंस फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट है. उसी की कंपनी के नाम के बिहा पर ही अमेजोन कंपनी का नाम रखा गया है. उसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है. हमारे पूरी अर्थ के लंग्स हैं वो, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन मैक्सिमम रिलीज होती है. तो फॉरेस्ट हेल्प द मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड आर द मेजर कार्बन सिंक. ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज द ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजी
स्टेशन इज द डोमिनेटेड बाय द ग्रासेज एंड हर्ब्स। आप देख सकते हैं एक घर के बाहर आपके एक पेड़ लगा हुआ है, नीम का, आम का, पीपल का, किसी भी चीज का। गर्मियों के दिनों में उस पेड़ के नीचे आप खड़े रहो और वहां से 10 मीटर दूर खड़े रहो, कम से कम 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन आता है। तो जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, ये बेटा टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं। आपके घर के अंदर यदि काफी सारे प्लांट लगे हुए हैं तो नेचुरली आपका घर कूल रहेगा और हेल्दी तो आप रहेंगे क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिल रही है। तो और किसी से प्यार करो या ना करो, हाँ प्लांट से जरूर प्यार करो। टेम्परेट ग्रासलैंड है, सवाना ग्रासलैंड है, आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम के एग्जांपल है बेटा ये। टुंड्रा इकोसिस्टम आर डिवाइड ऑफ द ट्री एंड आर फाउंड द कोल्ड क्लाइमेट। तो टुंड्रा है आपके, वहां पर पेड़ नहीं होते क्योंकि वहां बर्फ ही इतनी होती है और काफी ठंडा एरिया होता है, और वेयर द रेनफॉल इज स्केयर। ये देखो आप, मजा आ गया, शिमला में चले घूमने आप, श्रीनगर जाओ आप, है ना, वैष्णो देवी है, बहुत बढ़िया। देर आर कवर्ड विद द स्नो ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर द इकोसिस्टम इन द आर्कटिक और माउंटेन टॉप इन द टुंड्रा टाइप। क्वेश्चन है 4-5। इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजिटेशन इज द डोमिनेटेड बाय। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में डोमिनेशन के साथ ग्रासेज, प्लांट, एनिमल, नन। हाँ, घास के मैदान में घास रहेगी। फिल इन द ब्लैंक्स। इकोसिस्टम आर डिवाइड ऑफ द ट्री एंड आर फाउंड इन द कोल्ड क्लाइमेट और वेयर रेनफॉल इज स्केयर। क्या आंसर होगा? टुंड्रा इकोसिस्टम। चलिए टुंड्रा उठ लगा देते हैं। आज की क्लास यही थी।